नमस्कार, ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। साहब हालात देख लीजिए, तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की और मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, और किस प्रकार से जो करोड़ों रुपया यहाँ पर आता है वो कहीं ना कहीं पानी में बहता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सीवरेज चौक हैं तो बारिश आती है। बारिश आने के बाद कहीं ना कहीं जो लोगों का गंदा, जो घरों का गंदा पानी है वो सीवरेज का पानी जो इकट्ठा हो जाता है और घरों के अंदर जाता है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आखिरकार उनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से जो अधिकारी हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वाकया है हरियाणा के करनाल जिले के संधू कॉलोनी की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीवरेज चौक हो जाते हैं। जब सीवरेज चौक हो जाते हैं तो गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर जाता है, बेहद ज़्यादा परेशान है लोग। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बात का संज्ञान अवश्य लें कि आखिरकार शहर में क्या व्यवस्था है, सफाई की क्या व्यवस्था है। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाजी आप बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बताओ जी क्या कुछ कहना। तो इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को सारे शिविर रुके पड़े हैं, ठीक है, पुल तक का पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, शिवर सारे ब्लॉक हो रहे हैं और गोबर आके देख लो, क्या देखो गोबर जा रहा है, गोबर की वजह से हो रहा है। तो हम फर्श धोते हो, मैं ऐसनू आते हूँ, ठीक है, तो शिवर तक ब्लॉक होगा ना जो गोबर जाएगा, जब पानी ऊपर से आएगा, ऊपर देखो आ गया पुल से ऊपर सारा पानी। किन कारणों से क्या यहाँ पर कोई नगर निगम की तरफ से कोई सफाई नहीं होती है? सफाई नहीं होती भाई साहब, कर्मचारी आते हैं बांस मार के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते वो, ठीक है, और कोई सारी गली वाले परेशान है, सारी ब्लॉक आते हैं सिर्फ पास मार के चले जाते हैं, सीवर नहीं खुलते पूरे भी। हाँ। तो बारिश में इतनी बारिश हुई है सारी ब्लॉक हो जितने कॉलोनी है ये संधू कॉलोनी बस्ती है, सत्रह वार्ड है। पार्षद आते हैं यहाँ पे? पार्षद नहीं आते यहाँ पे, आज बड़ी मुश्किल से पार्षद यहाँ पे आए। उनको कम से कम हमने एक हफ्ते तक उनके पीछे पड़े रहे कि आके हमारी गली में देखो, घरों में देखो, क्या बुरा हाल मच रहा है, क्या हम लोग कैसे रह रहे हैं। वो इतनी मुश्किल से उनके पीछे पड़ पड़ के तो वो आज वो आए, और आने के बाद भी वो ये बोल के गए कि मैं मशीन भिजवा रहा हूँ। सुबह से दोपहर हो गई, चार दिन से हम यही सुन रहे हैं। लोकल MC ऑफिस में भी जाते हैं तो वो भी यही बात बोलते हैं कि आज मारी है, चार दिन से हमें यही बोल रहे हैं, सुबह से शाम हो जाती है, दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, अगला दिन फिर आ जाता है, हम वही हालत में रह रहे हैं। इसको ये चाहे बारिश हो चाहे नहीं हो, ये सीवरेज 3-4 दिन के अंदर बंद हो जाता है, और जब हम उनको बुलाते हैं तो उनका सिर्फ एक ही बात कहना होता है कि देरी की वजह से गोबर यहाँ पे जमा हो जाता है, और जमा होके ये सारा का सारा आगे के सीवरेज बंद हो जाते हैं। डेरी आपकी है? हाँ जी, डेरी मेरी। आपका जाता है यहाँ पर गोबर? गोबर देख लो, उसके अंदर गोबर है क्या? वहाँ गोबर चेक कर लो, सीवर पिछले में भी जाता है, पिछला भी तो सीवर रुक रहा है, उसमें भी गोबर जाता है क्या? उधर के भी सारे सीवर रुकते हैं, सारे शहर का गोबर मेरा जाता है क्या? गोबर कब जाएगा? जब उसके अंदर पानी जाएगा। गोबर देखो मेरे सामने, आ जाओ डेरी में, चलो आ जाओ। तो ये देखिए किस प्रकार से जो मोहल्ला वासी है वो कहीं ना कहीं आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि गोबर का पानी जो है वो यहाँ पर जाता है। एक शिकायत जरूर जी, ये गोबर पड़ा है सारा यहाँ, कोई सफाई हुई है? झाड़ू के साथ लगे, फिर गोबर कैसे चला गया? गोबर कैसे चला गया? वहाँ से पानी आता है, उधर से ऊपर से सारा घूम के, उसको बरसात के पानी को थोड़ी रोक सकते हैं हम। अगर उसके साथ बारिश के साथ गोबर, बाहर का गोबर आएगा, डेयरी का गोबर तो नहीं जा रहा ना, बाहर बारिश के साथ पानी के साथ और बाहर पड़ा हुआ गोबर आएगा, उसको कोई डेयरी वाला रोकेगा? है प्रशासन रुक करेगा ना काम, सीवर खोलेगा? ये बाहर से पानी आ रहा है, करोड़ों रुपया आता है स्मार्ट सिटी में, कहाँ चला जाता है वो? सब कुछ नहीं पता कहाँ जाता है, सब गल्लेबाजी है। सीवर शिव कॉलोनी के नहीं, सारी शिव कॉलोनी के रुके पड़े हैं, ठीक है, और इतनी बारिश हुई है, ज्यादा 4-4 घंटे 3-3 घंटे बारिश होती है, सारा पानी बाहर आता है गली में, ऐसे चला जाता है, ठीक है, और सीवर रुक जाते हैं। ये कारण डेयरी वाला। कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं? ये हमारे को तो 5-6 साल हो गए, सुबह से रुक रहे हैं, तो कभी यहाँ पर कोई नहीं आया? सब कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अभी पड़ोसी कहते भी हैं सारे के सारे बोले डेयरी वाले को, और डेयरी वाले को देखो गोबर कहाँ पे है, ये गोबर देखो यहाँ पे फर्श धो रखे क्या? झाड़ू के साथ हम धो रहे हैं। आपकी कंप्लेंट थी जी गोबर, गोबर का आता है ये देखो सर, ये देखो लोग बीमार होंगे या नहीं होंगे, अरे लोग हैं बीमार होंगे या क्या होगा? पानी आ रहा है, डेयरी का पानी है, कितना ऊपर से पानी, बारिश बरसात का पानी रुक रहा है, सीवर रुकेगा तो बरसात का जो बाहर का पानी आएगा वो तो रुकेगा, वो गली में रुकेगा और कहाँ होगा? और पानी कहाँ पे रुकता है? जहाँ पे खड्डा होता है, यहाँ पे गली नीची है, यहाँ पे पानी रुक जाता है।
तो ये बताओ आप ही देख लो ना बरसात कितनी आती है, ये सब गोबर पड़ा। मैं गोबर अगर बैठता हूँ ना एक दाना भी, जितना जो दंड देगा ना सरकार जो भी मुझे देगी, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कोई कह देना भी गोबर। नगर नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी है क्या उनका कोई औचित्य नहीं बनता? वो भी तो यहाँ पर आते हैं। हर बरसात अभी हुई है, इससे पहले भी ब्लॉक होता है, इससे पहले कभी पूरे थोड़ी थोड़ी है। हर बारी जो यहाँ पे सफाई करने वाले आते हैं ना उनसे पूछ लो आप, वो सीधा ये कहते हैं कि ये गोबर की वजह से बंद हुआ पड़ा। गोबर कितनी बार निकाल लो यहाँ से, रुक के गोबर वाइक वजह से रुकते हैं। खैर आप भी देखते हो हर एक जगह समस्या ना, जहाँ पर डायरी भी नहीं है ना वहाँ पर भी ये समस्या। सर आप भी देखते होंगे, रोज वीडियो बनाते होंगे, रोज कवरेज करते होंगे, लेकिन ये समस्या पूरे शहर के अंदर। मैं आपको बताऊँ ना, जो कॉलोनी बसी है 40 साल हो गए, उसके अंदर दो दो बार तो तीन तीन बार तो टूटी पड़ गई है, और छह छह बार सड़कें पड़ गई है। और सर जो सीवर पड़े थे ना वो फर्स्ट टाइम के ऐसे कैसे डले पड़े हैं, मकान सिंगल से डबल ट्रिपल हो गए हैं, तो सीवर क्या रुकेगा? सीवर तो वही 6 इंची का डल रहा है, 8 इंची का, तो सीवर क्यों नहीं रुकेंगे? सरकार इस चीज पर जोर नहीं दे रही है, ठीक है ना भाई? सीवर क्यों रुक रहे हैं? नाले बना रही है, सीवर बना रही है, लेकिन सीवर का मेन कारण है 40 साल कॉलोनी को बने के हो गए हैं, 10 बार गलियां बन चुकी है पट पट के, ठीक है, 3 फुट से 7 फुट तक गली ऊंची उठ चुकी है, लेकिन सीवर वही है। टूंटी की पाइप तीन तीन बार दो दो बार हर एक जगह, कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जो 40 साल से है जिसकी बार तीन बार पाइप टूंटी की पाइप ना डली हो, लेकिन सर कोई एक कॉलोनी ऐसी दिखा दो जिसमें सीवर डाले हो। सीवर कब के हैं? जबकि कॉलोनी कटी थी, मकान सिंगल थे, प्लाट खाली थे, और 8 इंच का पाइप जो सीवर का चला है 10 इंच का डल रहा है वो चलता था। अब मकान ट्रिपल हो गया, एक भी प्लाट खाली नहीं रहा, तो सीवर नहीं रुकेंगे तो क्या रुकेंगे? सर डायरी वाले को क्या बदनाम किया जाता है? डायरी वाले का गोबर देखो पड़ा है, अगर जो डायरी वाले को तो जब माना जाएगा ना भाई, पानी मार के सारा धो देंगे। हम नहर के किनारे बैठे, हम अपने पशु भी नहर में नड़ा के लाते हैं, पानी नहर में पला के लाते हैं, गोबर सारा वो पड़ा सामने, ठीक है। अब की बार 10 किसान मेरे से गोबर उठा के ले गए, ऐसे ले गए, वो हमने किया, डांगरों ने, पशुओं ने किया होगा, उन्हीं का तो गोबर ले गए उठा के वो है। गली वाले कहते हैं बस, अरे ये तो नहीं देखते ऊपर से पानी बाह के आता है, सारा इधर सीवर गली में मर जाता है, ये मानते हैं। ये जो कीचड़ है ये गोबर के बिना तो नहीं हो सकती, ये जो आपको ये दिख रहा है, एक मिनट, अगर आप मिट्टी में पानी, एक मिनट, आप सिर्फ ये बताइए ये कीचड़ कवर कीजिए, चलिए आराम से बात करें, निगम को देखो, शिवर को देखो, बरसात कितनी हो रही है, गांव के गांव डूबे पड़े हैं भाई साहब, यहाँ पे किसान की खेत भरे पड़े हैं, और यहाँ पे तो 2 प्लाट पर गेंद हो गया है, ठीक है कि नहीं है? नगर निगम ये देखिए किस प्रकार से फिलहाल यहाँ पर झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहाँ पर सफाई व्यवस्था ना होने के बाद आरोप लग रहे हैं कि जो डेयरी का जो गंदा पानी है, यानी कि जो गोबर का पानी है, वो सीवरेज में जाता है, लेकिन डेयरी वाले का आरोप ये है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं समय रहते उनको यहाँ पर सफाई करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई। ये डेयरी का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है, ऊपर से आया ये, और बरसात डेयरी का पानी है, ये बरसात का पानी है ना, अरे डेयरी का पानी क्यों बोल रहे हैं इसको, ये डेयरी का पानी क्यों बोल रहे, बरसात का पानी है, सीवर रुका और बरसात का पानी हुआ है यहाँ पे, लड़ने को कोई नहीं आया डेयरी, आपको प्लाट में कहाँ जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, जो ये पहली बात ये
कमर्शियल एरिया नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे डेरी नहीं होनी चाहिए। बाहर का पानी आ रहा, अरे हम अपना धंधा बंद कर देंगे, ये बरसात का पानी है, ये डायरी का पानी ही है, ज्यादा बोलेंगे हम, ज्यादा बोलेंगे या तो तारे बताओ ना, मना काट दो पेट हमारे पेट पर लात मारनी ना, अपने छोड़ देंगे, हमारे डंगर खरीद लो और हमारे प्लाट खरीद लो, हमने गोबर में दसने की जरूरत क्या है, हम गोबर में क्यों दसेंगे, हमारे को गोबर में दसने की जरूरत क्या, अगर गली वाले मदद में ना हमारे डंगर बुका दो, हमारे का पैसे दुआ दो और हमारा प्लाट बुका दो, हम यहाँ से चले जाओगे, ठीक है ना। सीधी सी बात है, किसकी धमकी ला दो, धमकी दे सकते हैं आपने, आपने दी और दे सका धमकी, क्या धमकी पे अगर तू दम रखती है ना मैडम जी, तू दम रखती है ना, मेरे सारे पशु खरीद ले और मेरा प्लाट खरीद ले, मैं फिट्टे मुंह तेनु रदी खरीदू, बस फिर क्यों बोल रहे हो तू पिट बन, सारे कैसे नहीं निकल सकते, हम सारे कैसे नहीं निकल सकते, जब तुम्हारे को पता नहीं निकल सकते हम सारे कैसे, समझ गए ना, देखिए आपसे आपसे आप समझ गया मेरा, एक मिनट मैडम जी, ये बता रहा तो तुम्हारा दो साल का ही है, समझ गया ना, दो साल तो छोड़ा जा रहा है, 14 साल ये हमारा नाम कैसे ले रहे, यूं बरसात का पानी है, यूं बरसात का पानी है, बरसात का, समझ गए ना, हम अपनी डायरी नहीं धोंदे, जो रस्सी टूटेगा अगर हम रस्सी अपने अपनी डायरी धोंदे ना, फिर हमारी गोबर धंधा, हम सारा गोबर उठाते हैं और जाकर देख लो, आपको एक मिनट में कीचड़ कवर करके दिखाओ मुझे, ये गोबर की कीचड़ है, कैसी कीचड़ आपको दिख नहीं रही हो, कौन कौन मना कर सकता है उसको कि गोबर की कीचड़ नहीं है, वो मिट्टी की कीचड़ कहीं से लग रही है कि बारिश की कीचड़ कहती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बवाल बवाल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के संधू कॉलोनी की, इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में जाता है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो डायरी के जो संचालक हैं, जो डायरी चलाते हैं, उनका जो गोबर है वो सीवरेज में जाता है, लेकिन जो डायरी संचालक है उनका साफ ये कहना है कि हमारा गोबर का पानी सीवरेज में नहीं जाता, ये बरसात का पानी है, तो इसको लेकर जो है एक बवाल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात आराम से कर भाई, बाकी सब बात हो जाएगी, सीवरेज खाली होगा सब, सीवरेज खाली होगा सबको फायदा है, और मैं बुलाऊंगा अंशी नगर का दिए, अभी चार दिन पहले बरसात हुई है, उससे पहले भी यहाँ पे पानी रुकता है, ये तो बरसात का तब दिखा रहे हैं, पहले भी रुकता है यहाँ पे पानी, आप एक मिनट जी लड़ाई मत करो प्लीज, प्लीज लड़ाई सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखिए नहीं मेरी बात सुनो, देखो सुनिए, देखिए करोड़ों रुपया आता है, एक मिनट जी सभी शांत हो जाएं, सभी शांत हो जाएं, सभी शांत, आंटी जी एक मिनट,
आराम से आराम। देखिए किस प्रकार से जो काम अधिकारियों को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, फिलहाल आप देख सकते हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि अधिकारियों ने काम नहीं किया, सफाई व्यवस्था यहाँ पर नहीं देखी गई और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक झगड़ा जो है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर 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 एक मिनट, आप एक मिनट जी, आप इधर आइए, आप इधर आइए। 12 महीने अपना फर्श नहीं धोते हैं। एक मिनट जी, आप इधर आइए जी। देखिए सीधी सी बात है यार, एक मिनट आप बताइए, क्या नहीं लगता अधिकारियों की गलती है, क्या नहीं लगता सरकार की गलती है? 5 साल से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे? मेयर को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? जो आपके आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप आपस में लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आप वहां पर इकट्ठा होते और उनको ये बोलते हैं यहाँ सफाई व्यवस्था हो? हम 15 दिन से, जो मैंने आपको पहले भी बोला, 15 दिन से हम MC के चक्कर काट रहे हैं, हम सारे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आज हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास गए थे, फिर हम ज्वाइंट कमिश्नर के पास गए थे कि हमें इस बात का समाधान दो। अगर हमारे घर में एक चीज 5 साल से साफ नहीं हो रही है, तो आप एक घर को टारगेट कैसे कर सकते हैं? एक घर को हमने किसी को टारगेट नहीं किया, हमने सिर्फ इतना बोला कि आपको बुलाने का हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम इस बीमारी से निजात पा लें, क्योंकि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। तो हम प्रशासन के आगे हम बिल्कुल थक गए हैं। कमिश्नर को लेटर, सबको फोन, अब तो कह रहे तेरे सामने, पिछले 5 दिन से 15 दिन से हमारे घरों में पानी भरा हुआ है। 5 दिन, 1 हफ्ता हो गया है, हम MC सबके सारे अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं और ये सीवरेज आज ऐसे का ऐसे ही ठसा ठस भरा हुआ है। आज सभी आप वहाँ पर इकट्ठा होकर गए थे, आपका क्या नाम है जी? राकेश जी, आपको भी इनके साथ जाना चाहिए था। सर ऐसा है, ये जब भी जाते हैं ना, कभी मेरे को बताते नहीं है। चलो जी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस पे जाता हूँ, अपने बलबूते पे अलग से जाता हूँ, स्पेशल जाता हूँ। निगम में 2-4 अफसर जानते हैं, उनको राम रमी करता हूँ, स्पेशल बोलता हूँ, ठीक है। और तो और जो जहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं ना, सफाई कर्मचारी, इसमें भी मेल जोल बना हुआ है, देखो मुंह का बोल है, उनको स्पेशल मैंने कल बुलाया था, उनके बड़ी रिक्वेस्ट करके वो आगे थे, ठीक है। लेकिन उन पे, क्योंकि ये बांस से नहीं खुला, यहाँ पे मशीन आएगी तभी खुलेगा, लेकिन ये गली वाले आप एक जगह रहते हैं, भाईचारा बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे गाँव छोड़ के सारा, सर सब अलग अलग गाँव छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पर भी आगे लड़ने लगी, फिर फायदा क्या हुआ? अब ये सीधा आप एक काम कीजिए, आप सभी लोग, मेरे को दिक्कत मेरा किस बात से है सर? मैं आप मानोगे नहीं, हमने कभी आज तक अपने डायरी का फर्श नहीं धुआ। फर्श धोएंगे तभी तो पानी जाएगा ना। अब और उसका बाथरूम तो हाथों में ले नहीं सकते, मैं इसका जो बाथरूम है, ठीक है, गोबर हम सारा बाहर डालते हैं, कभी फर्श नहीं धोते, लेकिन ये गली वाले हमारे को ब्लेम लगाते हैं। सर आप मान लोगे नहीं, सारा पानी पुल से लेके है ना, बारिश का इतनी बारिश हुई, अब तो गांव के गांव डूबे पड़े हैं, जीरी पानी खत्म पड़ा है। अब देखो थोड़ा बहुत बाथरूम के साथ, कोई बाथरूम जाता है तो थोड़ा बहुत तो जाता होगा, लेकिन सर हम कभी फर्श नहीं धोते। और ये जो पानी आया हो ना, सारा ऊपर से लेके सारा पानी ऐसे आता है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, जब बारिश हुई थी सारा पानी ऊपर पटड़ी से लेके इस गली में आता है, क्योंकि यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे डाल है। बारिश होने से पहले क्या कभी सीवरेज में इस प्रकार से रुकता था? लेकिन सर ये सीवर की जो मैंने एक समस्या बताई है ना, 40 साल से कॉलोनी बनी है, प्लाट उस टाइम थे 2-3, सही चलता था, जैसे प्लाट की बढ़ोतरी हुई गली तो 3 बार बन चुकी है, टूंटी की पाइप भी आ चुकी है 2 बार, लेकिन सीवर तो नहीं बना ना सर, वो 8-8 इंच है, तो सीवर क्या करेगा? है उसमें बांस मारेंगे, थोड़ा सा चलेगा फिर रुक जाएगा। पांच साल से जब सफाई नहीं होगी सरदार जी, 5 साल से सफाई नहीं होगी तो वो चलेगा कैसे? सारे घरों में पानी बढ़ गया है, जितने घर है सब लोग हैं, ये जब भी बरसात आती है उसी पानी जाम हो जाता है। आपने वोट दिए हैं क्या? इन दिनों के लिए वोट दिए थे आपने? ऐसे दिन देखा था जब तो नू जोड़े हाथ, जब वोट लेने आओ, जब तो नू करे फिर बात भी नहीं पूछते, जाने उससे कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा खराब होता है, उनके दौरे जावा तो आ रहे हैं, बार बात भी नहीं सुनते, कोई लिकट काम सी फिर किसको कहेंगे हम? देखिए कितने लोग यहाँ पर परेशान है, जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर करें और किस प्रकार से भाईचारा ऐसे खराब होता है। अगर समस्या इन घरों में आती है,
अब इन परिवार वालों को आरोप था कि जो ये डायरी आप ये देख सकते हैं, ये डायरी है, इनका ये आरोप था कि जो गोबर का पानी है वो सीवरेज में जाता है। लेकिन ये देख लीजिए, ये डायरी संचालक है, इनका साफ तौर पर ये कहना है, साहब क्या अगर सीवरेज की सफाई नहीं होगी तो क्या हमारा गोबर जो है अगर सीवरेज में जाता है तो क्या क्या हमें ही ब्लेम लगाया जाएगा? ये भी गलत है, इन पर आप ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारियों की यहाँ पर कमी जरूर है, सरकारें फेल हैं। ये देखिए, करोड़ों रुपया आपके शहर में आता है, करोड़ों रुपया आपके शहर में आता है, लेकिन सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती। जितने व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये देखिए किस प्रकार से मशीनों द्वारा जो सफाई होनी चाहिए थी, मैनुअल तो बहुत दूर की बात है, मशीनों द्वारा जो सफाई होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं होती है, और फिर कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा जरूर खराब हो जाता है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करें। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, और ये देखिए मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से आपके शहर में जनता बेहद ज्यादा परेशान है। ये देखिए, ये पूरे जो सीवरेज हैं वो भरे हुए हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। काफी बार शिकायत की आपने? काफी बार शिकायत की हम, मशीन पिछले 4 दिन से हम मशीन का इंतजार कर रहे हैं। हम फोन करते हैं तो बोलते हैं 2 बजे तक मशीन आ जाएगी, फिर नहीं आती, फिर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 के बाद मतलब गुमराह किया जा रहा है। फोन बंद, आप ढूंढते रहो। फिर कल सुबह, अगले दिन सुबह फिर आप फोन मिलाते हैं, फिर फोन उठा के ऐसे यही आश्वासन दिया जाता है कि आज मशीन आएगी चाहे कुछ हो जाए। शाम को 7 बजे के बाद फिर फोन बंद, और हम वहीं के वहीं उसी गंदे पानी में, घरों में गंदा पानी, उसी में खड़े रहते हैं, उसी में हम लोग सोते हैं। और अगर आपको घरों में अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको घर दिखा देते हैं अंदर से, कितना बुरा हाल है और कैसे हम रह रहे हैं, मच्छर, बीमारी, सारी चीज, ऐसा लगता है कि खाना खाना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए किस प्रकार से जनता बेहद ज्यादा परेशान है। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर देंगे। देखिए गंदा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, गंदा पानी इकट्ठा हो चुका है। बहन जी आपको दिख रहा है कि गोबर तो नहीं है इसके अंदर, कम से कम गोबर तो नहीं, जितना भी है मतलब गंद है ना, जो मशीन आएगी जिप साफ होगा ये पाइप से उससे निकलता है। मानते हैं कि गोबर तो नहीं है? गंद रेगा तो है इसमें, रेगा जमे हुआ है इसमें पूरा। देखिए गोबर इसमें गोबर तो नहीं है, इसमें गोबर नहीं है, गोबर बहुत होता है आज बरसात के कारण, नहीं नजर आ रहा, नहीं तो पूरा यहाँ गोबर होता है। आज बरसात इतनी तेज आई है कि नजर नहीं आ रहा, आज हालात ये हैं कि आज गोबर नहीं नजर आ रहा, गोबर तो पूरा भरा होता है, पूरा पैर भी दर्श होते इतना गोबर होता है, बरसात इतनी आई है कि चला गया है। आप डायरी संचालक हैं, सुनिए देखिए इससे क्या होता है, आपसे बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखो ये नीचे का आया हुआ है काड़ा, उबाला लेके गैस बन के बाहर आया, ठीक है, अगर इसके गोबर होता तो इस पे आता, चाहे उसको 4 दिन हो जाए 5 दिन हो तो गोबर तो गोबर रहेगा ना, तो मट्टी तो नहीं बनेगी। बात ये है कि जो समय रहते सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी अधिकारियों द्वारा, वो नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैं आपको सरकार हूँ ना, 8 इंची का पाइप बैठा हुआ इसके अंदर और उसको 20 साल हो गए हैं, टूंटे की पाइप पड़ गई, सड़कें 2 बार बन गई, सीवर वही खाली प्लाट पड़े थे उस टाइम, कोई दिक्कत नहीं, मकान बन गए, डबल मकान बन गए, जो ट्रिपल इसकी होगी, इस पर आउटपुट ही नहीं उठ रही है, ठीक है, बैक मारे गई है, तो इस चीज को कोई नहीं देख रहा। बरसात के टाइम में ज्यादा दिक्कत आती है वैसे, लगातार अगर रुक भी जाता है ना वो खोल के चले जाते हैं, है? देखो, देखो हकीकत सुनो, ना तो मैं भाई की कहता, किसी की नहीं कहूंगा, ईमानदारी से ये राकेश ने कह दे भाई हर हफ्ते ये बंद नहीं होता, यही कहे, ये कहे अपनी ईमानदारी से, है नी, हर हफ्ते रुकेगा वो तो जब खुलेगा नहीं पूरा, हर पूरा से बंद सर ऐसा है, अगर इसको इसको छोटे से खड्डे को खोल कर पानी हल्का चला के चले जाते हो, जब तक पूरी लाइन नहीं खुलेगी तब तक तो रुकेगा ही। तो आप एमसी से मिले हैं? एमसी से मिले हूँ सर, मैं एमसी कहता है, मैंने उसका एमसी को स्पेशल बोला, मैं कहा एमसी साहब हमारी है ना एक गली का टुकड़ा है उसको, या तो वो बहुत गहरी है ये, मैंने कहा स्पेशल है ना उसको ना स्पेशल एक पाइप का टुकड़ा पवा दो हमारे यहाँ पे, हमारी गली की समस्या समाधान हो जाएगी, ठीक है। एमसी बोले अभी कोई बजट नहीं है राणा जी, अभी हमें देखने का फायदा, मैंने कहा देख तो लो आप, एमसी बोले देखने का भी क्या फायदा जब अभी हो नहीं सकता, मगर ठीक है चलो नहीं होता। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि विधायक है मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से तो बहुत कुछ कहना जी, मेरी बात सुनो, मुख्यमंत्री तो यहाँ से बन के चले गया, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम बना था ना मुख्यमंत्री, ऐसे फिरता था, माड़े गलवाता था, सारे काम करता था, कहता था मैं तो करनाल का हूँ, करनाल के लिए काम करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने करनाल के लिए कुछ भी काम नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में उड्डा ने रोहतक को ना पहले 2 साल में चमका दिया था, और इधर खट्टर साहब ने तो क्या है कि सीवर की समस्या करनाल के अंदर आज से 20 साल से चल रही है, वो इन पे समाधान नहीं हुई, कांग्रेस भी चली गई और बीजेपी भी चली गई, और रहेगी खट्टर की बात, खट्टर तो अब तो आता ही नहीं है,
अब हमारा एमएलए हमने रखा, उसको बना रखा है, अब तुम्हारा कोई एमएलए भी नहीं है क्योंकि वो हमारा मुख्यमंत्री बन गया, उसको हम जा भी नहीं सकते, मैं परमिशन लेनी पड़ती, मुझसे मिल सकते, किसके पास जाए, नगर निगम में जाते हैं, नगर निगम वाले कह देते हैं हाँ जी कर देंगे, वो वहाँ पे अफसरशाही होती है, दो मिनट के लिए उनको कह देते हैं हाँ जी होगी, हाँ करके भेज देते हैं, हम आ जाते हैं, वो इधर कुछ भी नहीं होता, सारा ऐसे कैसे है, सारा कागजों की मुखाती ऐसे है, और 5 साल से ऐसे रुकी पड़ी, इधर इधर की नहीं समस्या, सारी जगह की समस्या है। समस्या की कैसे, इसका समाधान कैसे होगा? समस्या तो सर जी ये है, शिवर जहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी शिवर रुक रहे हैं ना, वहाँ पर शिवर का जितनी मर्जी चाहे डायरियों को बाहर निकाल दो, चाहे कुछ भी कर दो, कोई हल नहीं होना जब तक शिवर लाइन नहीं बनेगी। मेन पता क्या होता, कोई इस प्रशासन कोई नहीं बोलता, जब आप सड़क बना रहे हो तो शिविर भी साथ बनाओ, आप करोड़ों रुपया अरबों रुपया सड़क पे बना रहे हो और फिर उसके ऊपर पानी आ जाता है, तो इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता, बस सबको बस एक दिमाग में बैठा है भाई डेयरी वालों ने कर दिया, भाई डेयरी वालों ने कर दिया, भाई सारा काम किया, सारा शहर डेयरी वालों ने रोका है। ये डेयरी संचालक जी, आज भी मैं नगर निगम में गया हुआ था सर, डेयरी वालों के ऊपर हमारी मीटिंग थी और इसके स्पेशल मैं अपने इस पे बोल के आया हूँ, मेयर जी से मिलके जी हमारे ऐसे ऐसे रुक रही है, बोले कोई बात नहीं करवा देंगे, तो उनके एक ही कारण अभी सारा काम डेयरी वालों ने कर रखा है, भाई डायरी भी चली जाएंगी, अगर फिर भी समस्या ऐसी रहेगी फिर क्या होगा, अपनी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए ये डायरी संचालक हैं और पूरे शहर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, भले ही सेक्टर 13 की बात हो, सेक्टर 14 की बात हो, अर्बन एरिया लोकल या आउटर की बात हो, कहीं ना कहीं सीवरेज, हर जगह सीवरेज के यही हालात हैं, सफाई होती नहीं है, अधिकारी आते नहीं हैं, करोड़ों रुपया सफाई के नाम पर जरूर आता है लेकिन साहब अधिकारी नहीं आएंगे, एसी रूम में बैठकर अपना कार्य करेंगे और घर की तरफ चले जाएंगे। फिर ये देखिए, ये जीता जाता उदाहरण कि किस प्रकार से आपसी भाईचारा जरूर खराब हो जाता है, कंप्लेंट जाती है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अपने चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर से यही कहना चाहेंगे, तमाम अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि आप व्यूवर से कहना चाहेंगे वीडियो शेयर करें और अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आएं, देखें किस प्रकार से लोग यहाँ पर नारकीय जीवन जीने को मजबूर इसलिए हैं क्योंकि लोगों के घरों में गंदा विषैला पानी जाता है। ऐसे कौन से घर है जिनके फ्लश बंद हो चुके हैं? सबके बंद हो चुके हैं, सबके देख लो सर, दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, इस गली में पूरे घर, आगे एक और गली उसमें पूरे घर, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर आ रही है सब बंद है। चलिए अब कुछ घरों के अंदर हम जाते हैं और आपको अंदर के हालात दिखाते हैं कि जो फ्लश का पानी है वो तक खराब हो जाता है और जब इस प्रकार की समस्या आती है तो साफ फिर आपसी भाईचारा जरूर खराब होता है। किस प्रकार से यहाँ पर एक जो विवाद था वो कहीं ना कहीं पैदा हुआ और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो घर के जो यहाँ पर रहते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं किस प्रकार से, ये देखिए हम आपको घर की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए ये सीट है, ये फ्लश है और किस प्रकार से फिलहाल जो फ्लश है वो भी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि पानी इतना ज्यादा आ चुका है कि लोग शौचालय जाएं तो कहाँ जाएं। किस प्रकार से जो बहू बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहेंगे कि इस ओर ध्यान अवश्य दें क्योंकि सफाई व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, करोड़ों रुपया यहाँ पर जरूर आ जाता है लेकिन परिणाम होता है शून्य। और किस प्रकार से ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो गली मोहल्ले वाले हैं उनका कहीं ना कहीं भाईचारा जरूर खराब हो जाता है। इस वीडियो को देखने वाले, इस वीडियो को आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। एक और घर की भी हम आपको तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे, ये देखिए किस प्रकार से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। चलिए एक और घर में चलते हैं और दिखाते हैं आपको, इन घरों के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो शौचालय है वो बहुत ज्यादा जो है जी, ये देखिए किस प्रकार से, क्योंकि पानी आने के बाद जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों के घरों के अंदर जो है दरारें आ जाती हैं, अगर ये घर गिर जाता है तो इसका मुआवजा कौन देगा, ये सबसे बड़ी बात है। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करें और ये देखिए घर के बरामदे में किस प्रकार से पानी को रोकने के लिए यहाँ पर ईंटें लगाई गई हैं और देखिए किस प्रकार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वीडियो को आप साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के संधू कॉलोनी की और किस प्रकार से आपसी भाईचारा भी खराब होता है हो जाता है। ये देखिए किस प्रकार से गटर के अंदर से पानी इसलिए बाहर निकलता है क्योंकि सफाई नहीं है और जब सफाई नहीं होती है तो फिर आपके घरों के अंदर शौचालय में गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा पनपती है, कोरोना आपके शहर में है, कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है लेकिन किस प्रकार से गली मोहल्ला वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितने भी व्यूवर्स हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप साथ के साथ शेयर भी करें। जी बताइए भाई साहब, इतना भर जाता है सारा गुरुद्वारा है अपना, आप जाके देख लो, उसके अंदर नहीं पड़ा जाता, यहाँ से ऊपर से घूम के आना पड़ता है, इतना बुरा हाल है यहाँ। हाँ जी,
बाकी आगे आप जाके देख लो। चलिए गुरुद्वारे पर भी चलते हैं, किस प्रकार से जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये देखिए ये किस प्रकार से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो एक एक चीज दिखा रहे हैं ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। ये देखिए किस प्रकार से ये खाली प्लॉट है, और खाली प्लॉट में क्योंकि जहरीले जो जीव हैं वो कहीं ना कहीं पनपते हैं। सांप लिकड़ लिकड़ का बड़ा मारा कर रामा इसमें से। अब हम कहाँ जावांगे? टॉयलेट देख ली तना नान के नियम दोन के नियम हम बता आड़ा बैठा थे आड़ा भी यू नरक चढ़ गया। तो इस वीडियो को दोस्तों आप साथ के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल जिले के संधु कॉलोनी की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, किस प्रकार से यहाँ एक विवाद पैदा हो गया था। विवाद इसलिए पैदा हो गया था कि आरोप लगाए जा रहे थे कि जो डेयरी का जो गंदा जो डेयरी का गोबर है वो कहीं ना कहीं सीवरेज के अंदर चला जाता है और सीवरेज ठप हो जाता है, चोक हो जाता है, उसके बाद जो है लोगों के घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन डेयरी संचालक का साफ तौर पर यह कहना है कि जब पाँच पाँच साल से जो सफाई करने वाले यहाँ पर नहीं आएंगे, करोड़ों रुपया जरूर आता है लेकिन सफाई करने वाला यहां पर नहीं दिखाई देता, और फिर उसके बाद हालात ऐसे क्यों नहीं होंगे। ये देखिए ये गुरुद्वारा है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं ये गुरुद्वारे का ये बैक गेट है जी। काफी समस्या आती है, बहुत समस्या आती है जी, सारी समस्या है। यहाँ मत्था टेकने जाते हैं गुरुद्वारे आते सुबह, कोई मत्था टेक जाता ऊपर से चक्कर काट करना पड़ता है। सर ये सब घरों का मेन दरवाजा यही है, मेन है। बताओ अब यहाँ से कैसे बाहर जाएंगे, कैसे आएंगे, इतना बुरा हाल है। तो ये तो बरसात नहीं है, नहीं तो बरसात यहाँ तक पानी रहता है। सर ये सारे सारे परेशान है परली तरफ से। तो ये देखिए किस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में काफी श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं, लेकिन जब हालात इस प्रकार से होंगे तो फिर यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। इस वीडियो को शेयर करें और मुख्यमंत्री जी से, अधिकारियों से, प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि इनकी समस्या का निवारण जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जब समस्या सामने आती है तो आपसी भाईचारा जरूर खराब हो जाता है। इस वीडियो को शेयर भी करें और अपडेट आपको देते रहेंगे। आप बने रहिएगा करनाली स्टूडियो।